Friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu analysis for 2nd of July 2019. और discussion शुरू करें इससे पहले आप लोगों के लिए questions हैं. So first question is, in India a three-tier panchayat is envisaged for states which have a population above 15 lakh, 20 lakh, 25 lakh, 30 lakh. Second question is, the number of judges can be altered in Supreme Court by presidential order, Parliament by law, Supreme Court by notification. Yeah, D option, central government by notification. Third question is, the temples constructed at Khajuraho are Jain temples, Vaishnavite temples, Shaivite temples. Choose the correct option from the quotes given below. Only 1 and 3, only 2 and 3, 1, 2 and 3, only 1 and 2. So, aap log in teenon questions ke answer kariyega comment section mein. Aur hum log apna discussion shuru karte hain news ka. Aaj ki jo sabse pehli news hai, that is related to contempt of court. तो यहां पे हुआ क्या है वो समझ लेते हैं. सबसे पहले तो बीजेपी की एक लीडर थी वेस्ट बंगाल के अंदर, उन्होंने वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से रिलेटेड एक मीम शेयर किया था, उसको लेकर के उनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की एंड आफ्टर दैट शी वाज पुट बिहाइंड द बार्स. एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो पूरा का पूरा केस गया एंड सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू रिलीज बीजेपी लीडर इमीडिएटली. पर हुआ क्या, वहां की जो पुलिस है उन्होंने उनको रात भर जेल में रखा एंड आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट हैज स्लैप्ड कंटेम्प्ट नोटिस ऑन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट. यहां पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंटेम्प्ट किससे रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं और किस किस तरह के कंटेम्प्ट होते हैं. ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 129 कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट. ठीक है, आर्टिकल 129 के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए एंड अंडर आर्टिकल 215 हाई कोर्ट कैन पनिश एनीवन फॉर इट्स कंटेम्प्ट. एंड ये कंटेम्प्ट की पावर जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के कारण आती है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ आर द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड दे कैन पनिश फॉर देयर कंटेम्प्ट. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे. इसके बाद किस तरह के कंटेम्प्ट होते हैं, दो तरह के कंटेम्प्ट हो सकते हैं. सबसे पहला है सिविल कंटेम्प्ट एंड दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट. सिविल कंटेम्प्ट मींस विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट और डिक्री ऑफ कोर्ट. सिविल कंटेम्प्ट का मतलब है कि आपको कुछ बोला गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा करने के लिए एंड यू हैव विलफुली डिसओबेड देयर ऑर्डर्स. क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब है पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और डूइंग एनीथिंग दैट स्कैंडलाइजेस और लोवर्स द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट, इंटरफियर्स विद द ड्यू कोर्स ऑफ ज्यूशियल प्रोसीडिंग और ऑब्स्ट्रक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब है कोई भी ऐसा मैटर पब्लिश करना जिससे कि कोर्ट की डिग्निटी कम हो या फिर उसके जस्टिस सिस्टम में या जस्टिस डिलीवर करने में कोई दिक्कत आए तो उसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाता है. एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैज द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट. हम लोग ध्यान रखेंगे आर्टिकल कौन कौन से हैं, आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215. अब यहां पे एक टर्म यूज हुआ है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दे हैव द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट. एनदर पावर दैट कम्स फ्रॉम बींग अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के कारण जो दूसरा पावर आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कि देयर प्रोसीडिंग्स एंड जजमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री फॉर परपेचुएटी एंड उनको यूज किया जाता है बाद में लीगल प्रेसिडेंसेस एंड लीगल जजमेंट्स के लिए. ठीक है, तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के कारण दूसरा पावर आता है कि आपका जो जजमेंट है, आपकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, दे आर रिकॉर्डेड एंड दे विल बी यूज्ड फॉर फ्यूचर इन्फ्रेंसेस एंड सजेशंस. ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे यहां पे हम लोग कंटेंट से रिलेटेड. तो ये हो गई आज की पहली न्यूज. अब आ जाते हैं सेकेंड न्यूज, दैट इज रिलेटेड टू ईरान. अब क्या हुआ ईरान में, ईरान हैज ब्रीज्ड इट्स लिमिट ऑन यूरेनियम स्टॉकपाइल. तो ईरान ने पहले भी वार्निंग दी थी कि इफ यूरोपियन पावर्स एंड अदर वर्ल्ड पावर्स आर नॉट गोइंग टू ईज इकोनॉमिक सैंक्शंस, अगर ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हैं उनको नहीं हटाया गया सो ईरान विल रीच इट्स लिमिट ऑन यूरेनियम स्टॉकपाइल. तो उस एक लिमिट को जो सेट किया गया था 2015 में अंडर द ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन डील, उस लिमिट को ईरान नहीं मानेगा. यहां पे हम लोग ध्यान रखेंगे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन डील JCPO डील और ईरान P5+1 डील भी इसे बोला जाता है. अंडर दैट डील इट वाज एग्रीड कि ईरान के ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाए जाएंगे एंड ईरान एग्रीड कि इट विल नॉट ब्रीच लिमिट ऑन यूरेनियम स्टॉकपाइल. लेकिन हुआ क्या, लास्ट ईयर यूनाइटेड स्टेट्स पुल्ड आउट ऑफ दैट डील एंड अगेन इम्पोज्ड इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन ईरान. एंड ईरान ने जो यूरोपियन पावर्स थी अदर लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी,
रशिया चाइना इनसे बोला था कि यू शुड परसुएड यूनाइटेड स्टेट्स टू रिमूव इकोनॉमिक सैंक्शंस, एंड जब वो उसको नहीं परसुएड कर पाए या नहीं मना पाए, नाउ ईरान हैज ब्रीच दैट लिमिट। अब इसके कारण क्या है, वेस्ट एशिया में इनस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। दूसरा, न्यूक्लियराइजेशन का जो प्रोसेस है, क्योंकि दुनिया भर में जो सारे के सारे देश हैं दे वांट डीन्यूक्लियराइजेशन प्रोसेस, सो नाउ अगेन न्यूक्लियराइजेशन माइट स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे एक एजेंसी है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये कब बनी थी, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1957। हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया। इसका पर्पस क्या है, इट सीक्स टू प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड प्रोहिबिट इट्स यूज फॉर एनी मिलिट्री पर्पज इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो एसेंशियली न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज एंड उसका कोई भी मिलिट्री यूज ना हो उसको लेकर के ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एंड इट रिपोर्ट्स टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ऑल दो इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है, तो वो रिपोर्ट करती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे हम लोग यूनाइटेड नेशन सॉरी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। इसके बाद जो हमारी दूसरी न्यूज है इस पेज पे, दैट इज रिलेटेड टू प्रोटेस्ट इन हांगकांग। ठीक है, तो अब वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स थे दे हैव एंटर्ड इनटू लेजिस्लेचर टू चैलेंज चाइना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हांगकांग में प्रोटेस्ट हो क्यों रहा था। दे वर होल्डिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्स्ट्राडिशन बिल विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द सिटी लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड इस बिल का अपोज क्यों किया जा रहा था, बिकॉज दिस विल अलाउ द लोकल गवर्नमेंट टू एक्स्ट्राडिट अ सस्पेक्ट टू प्लेसेस विथ विच द सिटी हैज नो फॉर्मल एक्स्ट्राडिशन अकॉर्ड इंक्लूडिंग मेनलैंड चाइना। तो इसमें क्या होगा कि जो लोग भी हांगकांग में अपराध करते हैं एंड अगर चाइना के मेनलैंड में उनके खिलाफ कोई केस है, दे कुड बी एक्स्ट्राडिटेड ओवर देयर। अब इसको अपोज इसलिए किया जा रहा था क्योंकि दिस माइट बी यूज फॉर पोलिटिकल पर्पजेज, कि जो लोग चाइना के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं या उसकी पॉलिसीज को अपोज करते हैं एंड दे रिसाइड इन चाइना, नाउ दे कुड बी एक्स्ट्राडिटेड टू मेनलैंड चाइना। और वहाँ का पूरा जुडिशियल सिस्टम है एंड जो गवर्नमेंट के हालात हैं वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हांगकांग के बारे में देख लेते हैं कि वो कहाँ लोकेटेड है और क्यों इंपॉर्टेंट है। सो हांगकांग इज सिचुएटेड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना एंड इट हैज़ ए स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑन द पर्ल रिवर डेल्टा एंड साउथ चाइना सी, एंड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम टिल 1997 हांगकांग वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश आफ्टर द फर्स्ट ओपियम वॉर इन 1842। सो फ्रॉम 1842 टू 1997 हांगकांग वॉज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल एंड इन 1997 हांगकांग वॉज हैंडेड ओवर टू चाइना अंडर द प्रिंसिपल ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल हांगकांग एंजॉयज अ हायर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एंड इट हैज़ अ कैपिटलिस्ट सिस्टम, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड रूल ऑफ लॉ एंड फ्री ट्रेड एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब हांगकांग को जब ब्रिटिश ने चाइना को हैंड ओवर किया, सो फॉर द 50 ईयर्स दे हैव सेड कि द डिफरेंट रूल्स एंड लॉज विल बी अप्लाइड टू हांगकांग, एंड इसी को जो है वन कंट्री टू सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, एंड हांगकांग में क्या है, मेनलैंड चाइना से कैसे डिफरेंट है, बिकॉज यू हैव अ डेमोक्रेसी ओवर देयर, यू हैव अ कैपिटलिस्टिक सिस्टम ओवर देयर, यू हैव अ फ्री जुडिशरी। तो ये सारी चीजें मेनलैंड चाइना में अवेलेबल नहीं है, एंड हांगकांग अलॉन्ग विथ मकाओ इज द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे हांगकांग के बारे में। ये जो बिल का अपोजिशन हो रहा है वो एक्स्ट्राडिशन प्रोविजन के कारण हो रहा है कि उसका पॉलिटिकल मिसयूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ये न्यूज। इसके बाद यहाँ पर एक न्यूज है जीएसटी कलेक्शन से रिलेटेड, एंड जीएसटी कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ मे हैज डिप्ड मंथ ऑफ जून हैज डिप्ड बिलो रुपीज 1 लाख करोड़। ठीक है, तो जो जून के लिए कलेक्शन हुआ है डेट हैज डेट इज़ एट 99,939 करोड़ रुपीज़। तो उसको लेकर के न्यूज़ थी। यहाँ पे हम लोग जीएसटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जीएसटी क्या है। सो जीएसटी इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन द 1st of July 2017, एंड रिमेंबर डैट फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी इन 1954, एंड जीएसटी is being implemented in 140 countries across the world, and इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसके कारण जो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस होता था वो घट जाएगा, इंडियन इकोनॉमी विल बी मोर इंटीग्रेटेड, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी विल टेक प्लेस। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जीएसटी के, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के। तो ये हो गई न्यूज इससे रिलेटेड। अब आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर थर्ड पे।
यहाँ पर एक न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू वेक्टर बॉर्न डिसीजेज एंड न्यूज इज दैट की केस ऑफ वेक्टर बॉर्न डिसीजेज लाइक मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया हैज पिक्ड अप इन दिल्ली। तो हम लोग वेक्टर बॉर्न डिसीजेज के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या होती हैं। वेक्टर बॉर्न डिसीजेज आर ह्यूमन इलनेसेस कॉज्ड बाय पैरासाइट्स वायरसेस एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो पैरासाइट वायरस एंड बैक्टीरिया के कारण डिसीजेज होती हैं दे आर रेफर्ड टू एज वेक्टर बॉर्न डिसीजेज। एंड इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटोज सैंड फ्लाइज ट्रायोटोमीन बग्स ब्लैक फ्लाइज टिक्स टेस्टिस फ्लाइज माइट्स स्नेल्स एंड लाइस एंड दीज आर द वेक्टर्स। व्हाट आर वेक्टर्स, वेक्टर्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शियस डिसीजेज बिटवीन द ह्यूमंस और फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। ठीक है, तो वेक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि ह्यूमंस से ह्यूमंस को बहुत सारी डिसीजेज या ह्यूमन से एनिमल में या एनिमल से ह्यूमन में डिसीजेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, एंड मॉस्किटोज आर द बेस्ट नोन डिसीज वेक्टर। एंड मॉस्किटोज के कारण कौन कौन सी डिसीजेज होते हैं वो देख लेते हैं कि सो एडेस मॉस्किटो के कारण चिकनगुनिया डेंगू फीवर लिम्फेटिक फिलरिसिस रिफ्ट वैली फीवर येलो फीवर एंड जीका। अब जो मॉस्किटो एनेफिलिस है उसके कारण कौन कौन सी डिसीजेज होते हैं, मलेरिया लिम्फेटिक फिलरिसिस। जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है उसके कारण होता है जापानीज इंसेफेलाइटिस लिम्फेटिक फिलरिसिस एंड वेस्ट नाइल फीवर। देन बिकॉज ऑफ सैंड फ्लाइज वी हैव अ डिसीज कॉल्ड लेसमेनेसिस। बिकॉज ऑफ टिक्स वी हैव लाइम डिसीज एंड क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर। बिकॉज ऑफ टेस्टिस फ्लाइज वी हैव स्लीपिंग सिकनेस। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे हम लोग वेक्टर बॉर्न डिसीजेस के बारे में। इसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 4 पे। हियर वी हैव अ न्यूज, यहाँ पे एक सजेशन दिया गया है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट से बोला है कि कंसीडर बॉडी कैमराज फॉर पुलिस कॉप्स। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि एक तो प्रोसिक्यूशन में आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर बॉडी कैमराज होंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा किसने पहले अटैक किया एंड किसने नहीं किया। उसके अलावा दूसरा ये होगा कि पुलिस को ह्यूमेन बनाने में, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पुलिस कमिट सर्टेन एट्रोसिटीज या हाई हैंडेडनेस, पुलिस के पास पावर होती है तो लाठी है तो फिर भांजना ही भांजना है, तो उसमें कमी आ सकती है। ठीक है, तो जब भी आप पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में लिखें तो ऐसे टेक्नोलॉजिकल सजेशंस को भी अपने आंसर में जरूर इंक्लूड करें। थिंग्स लाइक बॉडी कैमराज कुड बी इंक्लूडेड फॉर मेकिंग पुलिस मोर ह्यूमेन एंड पीपल फ्रेंडली एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन में भी हेल्प करेगा। एंड यहाँ पे एक एक्रोनिम है स्मार्ट का जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया था, आप पुलिसिंग के बारे में जब भी आंसर करें तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं। सो स्मार्ट मीन्स अ पुलिस फोर्स विच इज स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव मॉडर्न एंड मोबाइल अलर्ट एंड अकाउंटेबल रिलायबल एंड रेस्पॉन्सिव एंड टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड। अब आप जब भी आपको सजेशंस देने हो तो आप इन्हीं सारे पॉइंट्स के अराउंड सजेशंस दीजिए कि कैसे पुलिस को सेंसिटिव बनाया जा सकता है, कैसे उसे मॉडर्न बनाया जा सकता है, मोबाइल बनाया जा सकता है, अकाउंटेबल बनाया जा सकता है, रिस्पॉन्सिवनेस कैसे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो इन सारे अगर आप इस पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो आप पुलिस रिफॉर्म के ऊपर कोई भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग बॉडी कैमराज से रिलेटेड न्यूज। इसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 6 पे। यहाँ पर हमारी न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू पोलावरम प्रोजेक्ट एंड उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने प्राइम मिनिस्टर से को लेटर लिखा है कि देर इज़ अ नीड टू स्टॉप पोलावरम प्रोजेक्ट। एंड इस क्यों पोलावरम प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देना चाहिए, बिकॉज देयर वुड बी मेनी ट्राइबल विलेजेस विच विल बी सबमर्ज आफ्टर बिल्डिंग अप ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड देयर विल बी अ मैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रिमिटिव ट्राइबल्स एंड फ्लडिंग ऑफ फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड्स। तो इसके कारण से जो दिक्कतें आएंगी, क्योंकि लोगों को बहुत सारे ट्राइबल विलेजेस डूब जाएंगे, वहाँ से जो ट्राइबल्स हैं उनको हटाना पड़ेगा, एज वेल एज जो फर्टाइल लैंड है उसमें भी नुकसान होगा, इसलिए पोलावरम प्रोजेक्ट को रोक देना चाहिए, ऐसा उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने प्राइम मिनिस्टर को अर्ज किया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में, ये क्या है। इट इज़ एन अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन द गोदावरी रिवर। ठीक है, तो गोदावरी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है पोलावरम प्रोजेक्ट एंड इट इज अ मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड किस स्टेट में बनाया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एंड दिस प्रोजेक्ट हैज बीन अकॉर्डेड अ नेशनल स्टेटस एंड इट वुड बी द लास्ट प्रोजेक्ट टू बी अकॉर्डेड सच अ स्टेटस। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पे।
पोलरम प्रोजेक्ट के बारे में, जिस रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं, गोदावरी रिवर के बारे में। आप लोग जब भी करंट पढ़ें प्लीज उसको अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ लिंक करते हुए चलें। सो दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन कोटेड फ्रॉम एनसीईआरटी 11th क्लास। तो गोदावरी रिवर इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम हैविंग अ लेंथ ऑफ 1465 किलोमीटर। तो लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर, सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दक्षिण गंगा। ओरिजिन कहाँ है गोदावरी रिवर का? नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। किन किन स्टेट से फ्लो होती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। और आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप इस न्यूज एनालिसिस को रेगुलरली सुनेंगे सो ऑल दिस वुड बी योर ऑन योर टिप्स, ठीक है? तो आपको बहुत जल्दी मूव जवान पे याद हो जाएगा ये सारा कुछ। तो किस किस स्टेट से फ्लो होती है गोदावरी? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता एंड मांजरा, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे हम लोग गोदावरी रिवर सिस्टम के बारे में, विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम एंड रिवर गोदावरी इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा। अब आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 7 पे। यहां पर एक लेक हाईलाइटेड है, गोरेवाड़ा लेक, ध्यान रखेंगे नागपुर में है। इससे पहले हमने एक दिन हुसैन सागर लेक के बारे में देखा था, हुसैन सागर लेक हैदराबाद में है, गोरेवाड़ा लेक इज इन नागपुर, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। इसके बाद यहां पर एक ऐप लॉन्च किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, कि विच विल बी लॉन्च इन द नेक्स्ट मंथ टू ट्रैक योर कार्बन फुटप्रिंट। एंड इस ऐप को आप एग्जाम्पल हाईलाइट कर सकते हैं या इलस्ट्रेशन के रूप में यूज कर सकते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज को कर्व करने के लिए या क्लाइमेट चेंज में इफेक्टिव सिटीजन की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है एक ऐसा ऐप विच विल मॉनिटर योर कार्बन फुटप्रिंट, एंड इसके जरिए क्या किया जाएगा, एंड ये सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ऐप आपके कार्बन फुटप्रिंट को कैसे ट्रैक करेगा। दिस विल सी योर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एयर कंडीशनिंग, किचन एक्टिविटीज एमंग अदर्स थिंग। तो इनके जरिए पता करेगा कि आपने दिन भर में कितना कार्बन एमिट किया है या आपकी एक्टिविटीज के कारण कितना कार्बन एमिशन हुआ है। एंड व्हेन यू विल अचीव अ एमिशन न्यूट्रल स्टेटस देन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड विथ यू अ सर्टिफिकेट एंड टैक्स रिबेट, ठीक है? तो इसमें दोनों चीजें दी जाएंगी, आपको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एंड सेकेंड थिंग विल बी डन, यू विल बी गिवन अ फाइनेंशियल इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रिबेट। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसको हम लोग अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया का जो यहाँ पे एक और फैक्ट जो हाईलाइटेड है कि इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है दैट इज 175 गीगावाट बाय 2022, ऑफ विच 100 गीगावाट विल बी सोलर। एंड इंडिया हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू रिड्यूस इट्स पॉल्यूशन लेवल बाय 25-30% बाय 2030, ठीक है? तो इंडिया ने यह कमिटमेंट किया था पेरिस अकॉर्ड के अंदर, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पे इस ऐप के बारे में। इसके बाद आगे आ जाते हैं पेज नंबर 8-9 में, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, सीधे एडिटोरियल पेज पे आइए। यहां पर जो हमारा पहला एडिटोरियल है दैट इज ऑन द सेटिंग अप ऑफ रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड बाय नागालैंड गवर्नमेंट। अब ये रजिस्टर क्यों सेट अप किया गया है? फॉर रिकॉग्नाइजिंग कि कौन इंडिजिनस इनहैबिटेंट है नागालैंड का या नहीं है। इट इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज विच इज सिमिलर टू नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एक्सरसाइज बींग कैरिड आउट इन आसाम फॉर आइडेंटिफाइंग द इलीगल इमिग्रेंट्स विच हैव सेटल्ड इन आसाम। तो उसी तरह से ये एक एक्सरसाइज की जा रही है नागालैंड में, जिसके जरिए वहां पे जो बाहरी लोग सेटल हो गए हैं दे विल बी आइडेंटिफाइड। एंड अभी ये क्लियर नहीं है कि उसके बाद उनका क्या किया जाएगा, मे बी दे विल बी आस्क्ड टू लीव, लेकिन वो जाएंगे कहाँ, इसको लेकर के एक ये इशू है। एंड एडिटोरियल हैज रेज्ड दिस इशू मनली कि नॉर्थ ईस्ट की जो डेमोग्राफी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वहां पे बहुत सारी ट्राइब्स अलग अलग जगह की बसी हुई हैं। हो सकता है नागालैंड में नागा ट्राइब्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उसके बाद जो अदर ट्राइब्स हैं उनको फोर्स किया जाए कि दे शुड लीव, तो वो सिचुएशन जो है वो एक तरह का इंटरनल अनरेस्ट पैदा कर सकती है। तो उसको लेकर के पूरा का पूरा एडिटोरियल लिखा गया है। एंड एडिटोरियल सेज कि दिस एक्सरसाइज ऑफ कैरिंग आउट रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहैबिटेंट ऑफ नागालैंड शुड नॉट बी कैरिड आउट इन अ हेस्ट, उसको जल्दबाजी में नहीं लाना चाहिए बिकॉज इट कैन ओपन अप सो मेनी कॉम्प्लेक्स इश्यूज। तो उसको लेकर के पूरा का पूरा एडिटोरियल था। इसके बाद जो हमारा आज का लीड आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू वन नेशन वन पोल स्कीम। एंड यहाँ पे ऑथर ने इस पूरे के पूरे स्कीम को क्रिटिसाइज किया है कि वाई इट शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड एंड इसके क्या क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं। इसके मेरिट्स जो हैं वो हम सभी को पता है कि इसके कारण गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट आएगा, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा,
ठीक है, एंड ज्यादा से ज्यादा टाइम तक गवर्नेंस के ऊपर फोकस किया जा सकता है, तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। लेकिन यहाँ पे ऑथर ने इस आर्टिकल में उसके डिसएडवांटेजेस बताए हैं। तो सबसे पहले ऑथर ने ये बताया कि वन नेशन वन पोल स्कीम का जो आइडिया है ये मोदी सरकार को कहाँ से आया होगा। वो 2006 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था गुजरात के अंदर, डेट वॉज समरस ग्राम पंचायत स्कीम। इसके अंदर क्या हुआ समरस ग्राम पंचायत स्कीम में, कि ऐसी ग्राम पंचायत, उनको वहाँ के लोगों को एनकरेज किया गया कि दे शुड इलेक्ट द सरपंचेस ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस रेदर देन इलेक्शन। ठीक है, तो जो सरपंच चुना जाए वो आपसी सहमति से चुन लिया जाए बजाय चुनाव के, एंड ऐसी ग्राम पंचायत जहां पे सरपंच को कंसेंसस के जरिए चुना जाएगा दे विल बी गिवन एडिशनल फंड्स। तो वहां से ये आइडिया लाया गया है वन नेशन वन पोल वाला, कि जो भी काम हो वो कंसेंसस के जरिए हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो डीमेरिट्स हैं वन नेशन वन पोल स्कीम के वो क्या 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 है। पहला जो ऑथर के अकॉर्डिंग डीमेरिट है, इट अमाउंट्स टू सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब डेमोक्रेसी का सबवर्जन कैसे होगा, डेमोक्रेसी में क्या है आपको फ्री चॉइस होती है कि आप एंड फ्री इलेक्शंस आर देयर। अब इस केस में आपकी चॉइसेस कम हो सकती है, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि नेशनल इश्यूज हाईलाइट कर जाएं स्टेट इश्यूज के ऊपर, लोकल इश्यूज डोमिनेट ही ना करें नेशनल इश्यूज के ऊपर, तो उसके कारण बोला है कि इट अमाउंट्स टू सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी। सेकंड डिसएडवांटेज इज दैट इट प्रोवाइड्स एडवांटेज टू द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। जो रूलिंग पार्टी है सेंटर पे उसके पास फाइनेंसेस होंगे, उसके पास रिसोर्सेज होंगे, एंड एट प्रेजेंट बीजेपी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स एंड नेशनल लीडर्स, तो उसके कारण उनको एडवांटेज होगा। थर्ड डिसएडवांटेज इज दैट इट एम्स टू क्वेश द अपोजिशन एंड द रीजनल पार्टीज, तो एक तरह से ये रीजनल पार्टीज को खत्म कर देगा। ठीक है, उनको नुकसान होगा। एंड अनदर डिसएडवांटेज इज दैट रीजनल इश्यूज विल बी साइडलाइन, तो ज्यादातर टाइम क्या होगा नेशनल इश्यूज डोमिनेट कर जाएंगे एंड रीजनल इश्यूज, क्योंकि जो लोकल असेंबली इलेक्शंस होते हैं या पंचायत इलेक्शंस होते हैं उनमें लोकल इश्यूज मैटर करते हैं, पर जब एक साथ इलेक्शन होंगे देन ऑल द इलेक्शन विल बी फॉट ऑन द नेशनल लेवल ओनली। एंड फिफ्थ पॉइंट इज दैट इट अंडरमाइंस द फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म कैसे कमजोर होता है, बिकॉज नाउ जब एक ही पार्टी की गवर्नमेंट होगी, अगर वन नेशन वन पोल आ गया है एंड सेंट्रल में भी सेम पार्टी है एंड स्टेट में भी सेम पार्टी है, देन सम सॉर्ट ऑफ फेडरलिज्म इज बीइंग अंडरमाइंड, क्योंकि आप फिर अपनी ही पार्टी की गवर्नमेंट को आप अपोज नहीं करेंगे। तो इसको लेकर के पूरा का पूरा आर्टिकल था। एंड ऑथर सेज दैट कि वन नेशन वन पोल इज अ ब्लैटेंट क्वेस्ट टू कंसोलिडेट पावर बाय लिमिटिंग टू अ सिंगल मूवमेंट द अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स टू जज इवैल्यूएट एंड वोट। तो ये इसके जरिए क्या करना चाह रही है बीजेपी सरकार, वो सारा का सारा पावर जो है वो अपने पास रखना चाह रही है। एंड होता क्या है कि मान लीजिए अगर अलग अलग टाइम पे इलेक्शंस होते हैं तो हो सकता है जनता आपसे किसी मुद्दे पे नाराज हो एंड वो उस मुद्दे पे आपको हटा दे, जैसा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान में देखा गया। लेकिन अगर वन नेशन वन पोल होगा तो फिर सारे के सारे इश्यूज जो है वो एक ही मुद्दे पे आ जाते हैं, नेशनलिज्म या इन सारी चीजों पे, तो उस पे फायदा जो है वो बीजेपी या रूलिंग पार्टी को होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये आर्टिकल था ना। सेकेंड आर्टिकल वॉज ऑन द न्यू पॉलिसी बींग अडॉप्टेड बाई द भूटानीज गवर्नमेंट रिलेटिंग टू टीचर्स एंड डॉक्टर्स। तो भूटान की जो गवर्नमेंट है वो एक नई पॉलिसी लेकर के आई है अंडर विच द टीचर्स एंड डॉक्टर्स विल बी पेड मोर देन द सेम ग्रेड सिविल सर्वेंट्स। तो इंडिया में अभी क्या है कि टीचर्स एंड डॉक्टर्स को उतना ग्रेड पे नहीं है या उतना पैसा नहीं मिलता है जितना सिविल सर्वेंट्स को मिलता है। ठीक है, तो भूटानीज गवर्नमेंट ने अभी ये प्रपोज किया है अपनी पॉलिसी के अंदर कि वी विल पे टीचर्स एंड डॉक्टर्स मोर देन द सेम ग्रेड सिविल सर्वेंट्स। तो इसके जरिए फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि वहां पे जो टीचर्स की प्रेस्टीज है वो बढ़ेगी एंड डॉक्टर्स की प्रेस्टीज है वो बढ़ेगी एंड बेस्ट ऑफ द टैलेंट विल गो इनटू दीज टू प्रोफेशन। तो होता क्या है, जिस भी प्रोफेशन में अच्छा पैसा होता है वहां पे ज्यादा से ज्यादा टैलेंट जाना चाहता है एंड दिस विल हेल्प इन इंप्रूविंग द एजुकेशन सिस्टम ऑफ दैट कंट्री। क्योंकि अभी क्या होता है, टीचर कौन बन रहे हैं, जो लोग मतलब वो पीपल आर बिकमिंग टीचर नॉट बाई देयर चॉइस बट बाई कंपल्शन। पर अगर पेमेंट अच्छा होगा, रेमुनरेशन अच्छा होगा, सो पीपल विल बिकम टीचर बाई चॉइस। तो उसको लेकर के पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया था एंड भूटानीज गवर्नमेंट ने ऐसा प्रपोज किया है। सो ऑथर सेज दैट कि इंडियन गवर्नमेंट भी इस एक प्रपोजल को कंसीडर कर सकती है ऑफ प्रोवाइडिंग गुड रेमुनरेशन टू द टीचर्स एज वेल एज डॉक्टर्स। तो उसको लेकर के पूरा का पूरा आर्टिकल था। इसके बाद हमारा जो दूसरा एडिटोरियल है दैट इज ऑन सेल्फ केयर मेडिकल इंटरवेंशंस। एंड इसका बैकग्राउंड क्या है, रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर सेल्फ केयर मेडिकल इंटरवेंशंस रिलेटेड टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो उसको लेकर के WHO ने गाइडलाइंस जारी की हैं
कि कैसे सेल्फ केयर ली जा सकती है इन द केस ऑफ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसको लेके पूरा का पूरा एडिटोरियल लिखा गया। सेल्फ केयर क्या है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। सेल्फ केयर इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज टू प्रमोट हेल्थ, प्रिवेंट डिसीज, मेंटेन हेल्थ एंड कोप विद द इलनेस एंड डिसेबिलिटी विद और विदाउट द सपोर्ट ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो ये जो है सेल्फ केयर जो है वो इंडिविजुअल की या फैमिली की या उन किसी कम्युनिटी की स्थिति है कि वो कैसे अपने आपकी केयर कर सकते हैं विथाउट द सपोर्ट ऑफ हेल्थ केयर वर्कर, मतलब डॉक्टर या नर्सेस की मदद लिए बिना कोई भी कम्युनिटी या कोई भी फैमिली अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रख सकती है उसको सेल्फ केयर बोला जाता है। एंड अब सेल्फ केयर मेडिकल इंटरवेंशंस को क्यों इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उसका सबसे पहला रीजन है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। तो WHO का एस्टीमेट कहता है कि अराउंड 13 मिलियन हेल्थ देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ अराउंड 13 मिलियन हेल्थ केयर वर्कर्स बाई 2035। तो उसके कारण से सेल्फ केयर मेडिकल इंटरवेंशन को प्रमोट किया जा रहा है। जो दूसरा कारण है डेट इज लैक ऑफ एक्सेस टू एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज। तो बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहां पे एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज है ही नहीं, तो उस केस में आपका जो सेल्फ केयर मेडिकल इंटरवेंशन है डेट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एडिटोरियल हाईलाइट्स दैट इंडिया विल नीड सम टाइम बिफोर इट कैन इंट्रोड्यूस सेल्फ केयर इंटरवेंशन। तो इंडिया को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जैसे HIV टेस्टिंग को लेकर के आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है डेट हैज नॉट अप्रूव्ड डेट प्रोसीजर, ठीक है, तो अभी उसमें थोड़ा सा डिले चल रहा है। या बहुत सारे ऐसे जैसे एबॉर्शन को लेकर के है कि अगर कुछ पिल्स दे दी जाए तो घर पे भी या मतलब लोकली भी आप एबॉर्शन किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इंडिया में उसको भी अप्रूव नहीं किया गया है। तो इसको लेकर के बोला गया है कि अभी इंडिया को थोड़ा टाइम लगेगा सेल्फ मेडिकल केयर इंटरवेंशंस को लेकर के, बट इंडिया शुड प्रोवाइड फॉर सेल्फ मेडिकल केयर इंटरवेंशंस, ठीक। तो ये आज का दूसरा एडिटोरियल था। अब हमारा जो ऑपेड पेज पे लीड आर्टिकल है डेट इज रिलेटेड टू कैन फ्री राइड बी गिवन टू वुमेन ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्या महिलाओं को फ्री राइड दिया जा सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या नहीं। एंड ये एडिटोरियल या आर्टिकल क्यों लिखा गया है, बिकॉज द आप गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू प्रोवाइड फ्री राइड टू वुमेन इन बस एंड मेट्रो। एंड इसके जो सपोर्टर हैं वो बोल रहे हैं कि दिस पॉलिसी विल प्रोटेक्ट एंड लिबरेट वुमेन ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री मेट्रो राइड। उसके कारण महिलाओं को ज़्यादा आज़ादी होगी। ज़्यादा आज़ादी कैसे होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फ्री हो जाएगा, सो दे कैन गो टू डिफरेंट प्लेसेस। एंड जो इसके मतलब जो क्रिटिसाइजर्स हैं या जो क्रिटिक्स हैं दे आर्ग्यू डेट इट इज फाइनेंशियली अनवायबल एंड अनफेयर, ठीक है। तो इसका जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो ये है कि अगर आप फ्री राइड देंगे तो उसके कारण से दिल्ली मेट्रो या बस सर्विसेज को नुकसान होगा एंड इट वुड बी फाइनेंशियली अनवायबल एंड दिस ऑल्सो सीम्स टू बी अनफेयर कि मेन के ऊपर क्यों ये बोझ डाला जा रहा है, ठीक है। अब ऑथर ने सबसे पहले ये इसमें समझाने के लिए ये किया है कि सबसे पहले दूसरे देशों का कंपेयर किया है कि वहां पर क्या स्थिति है, वेदर एनी अदर कंट्री प्रोवाइड्स फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट अ लोअर प्राइसेस, ऐसा है क्या। तो यहाँ पे उन्होंने सिंगापुर का एग्जाम्पल दिया है जहाँ पे रेल कम्यूटर्स को सब्सिडी दी जाती है अगर वो रश आवर से पहले ट्रेवल करते हैं, मतलब भीड़ होने से पहले अगर आप ट्रेवल करते हैं सिंगापुर में तो रेल में आपको कंसेशन दिया जाता है। देन देर इज अ इन एस्टोनिया देर इज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज फ्री फॉर रेसिडेंट्स, ठीक है, एस्टोनिया में जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से फ्री है मैन एंड वुमेन दोनों के लिए। एंड इन लग्जमबर्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज फ्री फॉर दोज अंडर द एज ऑफ 20 विच इज अ वेरी गुड प्रोविजन। एंड अगेन इन पेरिस देर इज अ सिमिलर प्रोविजन। एंड इन जर्मनी द बर्लिन ऑफर्स वुमेन अ 21% टिकट डिस्काउंट फॉर वन डे इन मार्च, ठीक है, टू हाईलाइट द जेंडर वेज गैप। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे वुमेन को या कि फ्री किया गया है या फिर उनसे कम चार्जेस लिए जा रहे हैं। एंड ऑथर ने बोला कि ये फ्री राइड देने की नीड क्यों है, बिकॉज वुमेन के जो वुमेन का एक तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा कम है, इसके अलावा बहुत एक स्टडी में पाया गया कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो कॉलेजेस या अपना जो जॉब प्लेस है वो अपने घर के आसपास ढूंढती हैं बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो उसको लेकर के है कि अगर फ्री में या कम रेट्स पे वुमेन को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होगी सो दे विल बी एबल टू गो to far away places and they will be able to take up colleges or jobs of their choices. तो एक तरह से ये वुमेन एम्पावरमेंट में भी हेल्प करेगा। अब इसके लिए पैसा कहाँ से लाया जा सकता है ये बड़ा सवाल है। सो ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया है कि जो पर्सनल ट्रेवल है या कार वाले हैं या पेट्रोल डीजल है इन पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करें। एंड दिस पॉलिसी कुड बी फाइनेंस फ्रॉम दीज सोर्सेज विदाउट मेकिंग अरेंजमेंट फॉर एनी एडिशनल पब्लिक फंड, ठीक है। तो इसको जो है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के जरिए फाइनेंस करने की बात ऑथर्स ने कही है।
इसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे जो न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और न्यूज़ ये है कि इस एक 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, एंड उसको लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाए या ना बनाई जाए इसकी हियरिंग होगी जुलाई 30 को। ठीक है, अब 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था? इट प्रोवाइडेड 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द इकोनॉमिकली बैकवर्ड इन द अनरिजर्व कैटेगरी। तो जो 10% का अनरिजर्व कैटेगरी के लोग थे उनको 10% का रिजर्वेशन जो दिया गया था गवर्नमेंट जॉब्स में, उसको लेकर के 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। यहाँ पे एक मेंशनड है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नॉर्मली हैज 5 जजेस, बट देयर कैन बी मोर देन 5 ऑल्सो, 7, 9 एंड इवन 13 जजेस। आर्टिकल 145 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शुड बी एटलीस्ट 5 जजेस टू हियर द केसेस दैट इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 145 क्लॉज 3 में मेंशनड है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन को लेके कोई भी बेंच बनाई जाएगी तो उसमें कितने जजेस होंगे? मिनिमम 5 जजेस। तो ठीक है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जब भी बनती है सो इट हैज़ मिनिमम ऑफ 5 बेंचेज, जो 5 जजेस, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच विल हैव एटलीस्ट 5 जजेस। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में। अब 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको किस बेसिस पे चैलेंज किया गया है? इट हैज बीन चैलेंज ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वायलेट्स द 50% रिजर्वेशन सीलिंग लिमिट फिक्स्ड बाय अ 9 जज बेंच इन द इंदिरा साहनी केस। तो जो इंदिरा साहनी केस था वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के ऊपर एक सीलिंग तय की थी कि इट कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड 50%। तो ये जो 10% का एडिशनल रिजर्वेशन दिया गया है इट एक्सीड्स बियॉन्ड द 50%। एंड दूसरे जो ग्राउंड है जिसमें इसको चैलेंज किया गया है कि इन द सेम जजमेंट, इन इंदिरा साहनी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट कि सोल इकोनॉमिक क्राइटेरिया कुड नॉट बी द सोल ग्राउंड फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन। इट कैन बी वन ऑफ द ग्राउंड्स बट इकोनॉमिक क्राइटेरिया कुड नॉट बी द सोल ग्राउंड। आप सिंपली किसी को रिजर्वेशन सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं दे सकते हैं। सोशल बैकवर्डनेस के साथ अगर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है या और किसी बैकवर्डनेस के साथ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है देन यू कैन प्रोवाइड, बट रिजर्वेशन कुड नॉट बी प्रोवाइडेड सोलली ऑन द ग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक बेसिस। तो इसको लेकर के ये न्यूज थी, इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या डिसीजन लेता है, सो टिल देन वी कैन वेट। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है डेट इज रिलेटेड टू जल शक्ति अभियान, एंड जल शक्ति अभियान हैज बीन लॉन्च्ड बाय द जल शक्ति मिनिस्ट्री फॉर इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट द वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन की अवेयरनेस फैलाने के लिए जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। किस मिनिस्ट्री ने शुरू किया है? जल शक्ति मिनिस्ट्री ने किया है। ठीक है, एंड जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है वो अभी लेटेस्ट मिनिस्ट्री है टू बी फाउंड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। एंड अंडर दिस इसमें क्या होगा, 256 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के लोग ऑफिसर्स जो हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे एंड दे विल कोऑर्डिनेट ऑन द वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, एंड एक चीज और ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का फोकस है डेट इज ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड इंक्रीजिंग द सिटीजनरी पार्टिसिपेशन। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना एम है एंड उनको वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़ना है। इसीलिए जो मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत उन्होंने बोला है कि नो एडिशनल फंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर जल शक्ति अभियान, क्योंकि इसका पर्पस किसी को फंड प्रोवाइड करना नहीं है बल्कि अवेयरनेस फैलाना है एंड लोगों को वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़ना है। एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे एक फैक्ट है कि वाटर कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट, तो ये ध्यान रखेंगे। हेल्थ ऑल्सो कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट, वाटर कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो इस पे जो लॉज या रूल्स बनाने का पावर है वो एसेंशियली स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है डेट इज रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, एंड जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है इट हैज एक्सटेंडेड AFSPA इन नागालैंड। आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट जो है वो नागालैंड में एक्सटेंड कर दिया गया। अब हम लोग आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। सिंपल टर्म्स में अगर बात की जाए तो इट आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट गिव्स द पावर टू आर्म फोर्सेज टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। तो डिस्टर्ब्ड एरियाज में पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए जो एक्ट आर्म फोर्सेज को पावर देता है दैट इज आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। एंड अंडर दिस आर्म फोर्सेस हैव द अथॉरिटी टू प्रोहिबिट अ गैदरिंग ऑफ 5 और मोर persons इन एन एरिया, कैन यूज फोर्स और ओपन फायर आफ्टर गिविंग ड्यू वार्निंग इफ दे फील अ पर्सन इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ। तो यहाँ पे आर्म फोर्सेस को पावर मिल जाती है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो लॉ को वायलेट कर रहा है सो दे हैव द पावर टू ओपन फायर, वो उसके ऊपर फायर
कर सकते हैं इस एक्ट के अंदर। एंड डिस्टर्ब एरिया क्या है? डिस्टर्ब्ड एरिया इज वन विच इज डिक्लेयर्ड बाई नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। एंड किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित करने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या फिर गवर्नर या फिर स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, गवर्नर भी कर सकते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ही ऑल्सो कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज द डिस्टर्ब्ड एरिया। एंड कोई भी एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया हो सकता है बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस रेशियल लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स आर कास्ट आर कम्युनिटीज। एंड इसके अलावा देख लेते हैं ओरिजिन कब हुआ था आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का। इट ओरिजिनेटेड इन द बैकग्राउंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रही थी अराउंड 1957-1958 एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। होता क्या है कि डिस्टर्ब्ड एरियाज में अगर आर्म फोर्सेस के पास पावर नहीं होगी तो उनको सर्च करने में, मॉब को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो इसको लेकर के आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट बनाया गया था 1958 में। एंड अभी कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट चल रहा है? इट इज इन फोर्स इन द होल ऑफ नागालैंड, असम, मणिपुर एक्सक्लूडिंग 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ इम्फाल एंड पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में। ठीक है, सो इट हैज बीन एक्सटेंडेड इन नागालैंड। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 5G ट्रायल्स के बारे में, दे रखा है यहाँ पे। एंड चाइना ने इंडिया से बोला है कि इट शुड अलाउ चाइनीज कंपनी हुआवाई टू टेक पार्ट इन द 5G ट्रायल्स। ठीक है, अब ये हुआवाई जो कंपनी है दैट हैज बीन इन न्यूज फॉर द लास्ट 1 month, क्योंकि अमेरिका ने बोला है कि बिकॉज ऑफ इसकी जो टेक्नोलॉजी है दैट टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड बाय चाइना फॉर स्पियोनेज पर्पस। तो वो जासूसी करने और मतलब इंटरनल नेटवर्क्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। बट चाइना ने इंडिया से बोला है कि हुआवाई कंपनी शुड बी अलाउड टू टेक पार्टिसिपेट इन द 5G ट्रायल्स। अब 5G क्या है? 5G इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सेलुलर टेक्नोलॉजी दैट विल प्रोवाइड फास्टर एंड मोर रिलायबल कम्युनिकेशन विद अल्ट्रा लो लेटेंसी। ठीक है, तो ये जो है एक नई टेक्नोलॉजी है, इज द फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी ऑफ सेलुलर फोन्स एंड इट विल प्रोवाइड फास्टर एंड मोर रिलायबल कम्युनिकेशन। एंड इसमें जो लेटेंसी रेट है, जो रिस्पॉन्स टाइम है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, इसमें मतलब सॉरी लेटेंसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, इसके कारण से जो आपका रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ज़्यादा हाई है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि 5G आफ्टर 5G कम्स इन टू फोर्स देन इट विल प्रोवाइड अ रेंज ऑफ 2 to 20 gigabits per second। एंड 4G में अभी हमको कितनी स्पीड मिलती है? 6 to 7 megabits per second, बट 5G में कितनी स्पीड मिलेगी? 2 to 20 gigabits per second। एंड साउथ कोरिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च 5G सर्विसेज कॉमर्शियली। ठीक है, एंड दिस वुड ऑल्सो इम्प्रूव द सेवरल टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। एंड इसके कारण से जो टेक्नोलॉजिकल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस आएंगे 5G के कारण। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे बिजनेस पेज पे। एंड हियर इज अ न्यूज दैट इज रिलेटेड टू कोर सेक्टर ग्रोथ एंड इट हैज स्लोड डाउन टू 5.1% इन May 2019। एंड जो सबसे बड़ा इसका कारण है स्लो डाउन का, दैट इज अ स्लो डाउन इन रिफाइनरी सेक्टर। ठीक है, अब ये न्यूज जो है वो हर महीने आती रहेगी, कितना स्लो डाउन हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, तो इसको देख लेना है, याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनको याद रखने की जरूरत है। लास्ट में जब जून से पहले आप मे का जो कोर सेक्टर की ग्रोथ आएगी डेट यू कैन रिमेंबर, बट उससे पहले का कोई भी कोर सेक्टर की ग्रोथ कितनी हुई या नहीं हुई उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। कोर इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आर कंसीडर्ड एज कोर इंडस्ट्रीज। सो एसेंशियली देयर आर 8 कोर इंडस्ट्रीज: कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन 8 की 8 इंडस्ट्रीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी आपसे कभी भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कोर इंडस्ट्रीज। तो सो रिमेंबर दैट कि देयर आर 8 कोर इंडस्ट्रीज: कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेस ईयर क्या है कोर इंडस्ट्रीज का? 2011-12 एंड दे कंप्राइज 40.27% ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिलीज होता है, इन दैट 40.27% इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोर इंडस्ट्रीज में स्लो डाउन आएगा तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी ऑब्वियसली स्लो डाउन देखने को मिलेगा।
इसके बाद यहां पर हम लोग आ जाते हैं, एक न्यूज है परचेजिंग मैन्युफैक्चरर्स इंडेक्स से रिलेटेड एंड इट हैज डिप टू 52.1 इन जून फ्रॉम द 52.7 इन मे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग परचेजिंग मैन्युफैक्चर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं, पीएमआई ये क्या है। सो इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ध्यान रखेंगे परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है वो किस सेक्टर को दिखाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। इट इंडिकेट्स द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड अगर आपका स्कोर 50 से ज्यादा है देन इट शोज एक्सपेंशन इन द इकोनॉमी, कि आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। एंड इफ द स्कोर इज बिलो 50 देन इट शोज कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमी और स्लो डाउन इन द इकोनॉमी। अब ये किस बेसिस पे परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स निकाला जाता है, इट इज बेस्ड ऑन 5 मेजर इंडिकेटर्स। फर्स्ट वन इज न्यू ऑर्डर्स, सेकेंड वन इज इन्वेंट्री लेवल्स, थर्ड वन इज प्रोडक्शन, फोर्थ वन इज सप्लायर डिलीवरीज एंड फिफ्थ इज एम्प्लॉयमेंट एनवायरमेंट। तो इन पांच के पांचों इंडिकेटर्स को एज इट इज ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं इंडिकेटर्स, न्यू ऑर्डर्स, इन्वेंट्री लेवल्स, प्रोडक्शन, सप्लायर डिलीवरीज एंड एम्प्लॉयमेंट एनवायरमेंट। तो इसके बेसिस पे परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स रिलीज किया जाता है। इंडिया के लिए कौन पब्लिश करता है, इट इज पब्लिश बाय जापानीज फर्म निक्की बट कंपाइल्ड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय मार्केट इकोनॉमिक्स। तो इसको रिलीज कौन करता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को, जापानीज फर्म निक्की। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पे परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी दैट इज रिलेटेड टू एनबीएफसीज एंड ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि आरबीआई को और ज्यादा पावर दी जा सकती है टू रेगुलेट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या है। दीज आर द कंपनीज विच प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज विदाउट मीटिंग द लीगल डेफिनेशन ऑफ अ बैंक। ठीक है, तो जो हमारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं दे आर इंक्लूडेड अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, लेकिन जो एनबीएफसीज हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है दे आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। तो एक्ट ध्यान रखेंगे हम लोग एनबीएफसी से रिलेटेड कौन सा है, कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। अब यहां पे जो यूपीएससी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है वो है कि डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो मेजर डिफरेंस क्या है, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, ये सिर्फ टर्म डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स को नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस इज दैट कि एनबीएफसीज डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तीसरा डिफरेंस है कि एनबीएफसीज कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन देमसेल्फ, ये चेक इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिपॉजिट्स विद एनबीएफसीज आर नॉट कवर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बीच में। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू एनसीएलटी एंड यहाँ पे जो पंजाब नेशनल बैंक है उन्होंने एक डिसेंट भेजा था दैट हैज बीन रिजेक्टेड बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये ऑर्गेनाइजेशन मेंशनड है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ये कब बनी थी, इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1st of June 2016 अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2003, सेक्शन 408 जो है कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 उसके अंदर बनाया गया था नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। कैसी बॉडी है, रिमेंबर दैट इट इज अ क्वेसी ज्यूशियल बॉडी। अब क्वेसी ज्यूशियल बॉडी है तो ये किन किन मैटर्स में एडजुडिकेट करती है या अपने फैसले सुनाती है। सो फर्स्ट वन इज प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड बिफोर द कंपनी लॉ बोर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। जो दूसरे मैटर ये सुन सकती है दैट इज रिलेटेड टू केसेस पेंडिंग बिफोर बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। थर्ड केसेस विच इट कैन हियर इज रिलेटेड टू क्लेम्स ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। इसको लेकर के जो भी केसेस होते हैं वो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के बारे के पास जाते हैं। कंपनी लॉ बोर्ड के केसेस, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के केसेस, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ कंपनी के केसेस एज वेल एज बाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज के जो केसेस हैं वो एनसीएलटी के पास जाते हैं। ये किस कमिटी की रिकमेंडेशन पे बनी थी, जस्टिस इरादी कमिटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को। एंड इट इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। जब भी किसी कंपनी की इंसॉल्वेंसी होगी या कोई भी रेजोल्यूशन प्रोसेस होगा दैट विल ऑल्सो बी हर्ड बाई नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है वो न्यू दिल्ली में है एंड अदर देन प्रिंसिपल बेंच इट हैज 13 बेंचेस एंड जस्टिस एमएम कुमार इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। सो आई होप नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के बारे में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा एंड यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन इफ इट कम्स रिगार्डिंग टू नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू EB-5 एप्लीकेशन ऑफ द US एंड यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने जो EB-5 वीजा था उसको लेकर के जो फीस है दैट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 0.5 मिलियन टू 1.35 मिलियन एंड इसके जो इन्वेस्टमेंट है
डेट हैज इंक्रीज फ्रॉम 1 मिलियन टू 1.8 मिलियन। सबसे पहले हम लोग EB-5 वीज़ा के बारे में समझ लेते हैं। इट इज़ एन इमिग्रेंट इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम, ठीक है, एंड ये 1990 में US कांग्रेस द्वारा बनाया गया था फॉर जॉब क्रिएशन एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाई फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब EB-5 जो इन्वेस्टर है ही इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन सच सेक्टर विच विल क्रिएट फुल टाइम पोजिशन फॉर एटलीस्ट 10 क्वालिफाइंग एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जिसके जरिए आप सिटीजनशिप US की या ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेसिडेंसी आप पा सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर इतना पैसा है आप वहां पे इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे 10 लोगों को रोजगार मिल सके या 10 अमेरिकन पीपल कुड बी एम्प्लॉयड, सो यू कुड बी गिवन अ परमानेंट रेसिडेंट कार्ड एज वेल एज अ ग्रीन कार्ड ऑल्सो। तो उसको लेकर के यूनाइटेड स्टेट्स में वैसे भी हमें इमिग्रेशन को कैसे कम किया जाए इसको लेकर के बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। उन्हीं में से एक ये स्टेप लिया गया है कि कैसे इस एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के जरिए भी इमिग्रेशन कम किया जाए, तो ये एक इशू है, ठीक है। तो आई होप वी आर क्लियर विद द EB-5 प्रोग्राम विच वॉज क्रिएटेड बाई द यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस इन 1990 फॉर प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा EB-5 वीजा प्रोग्राम। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे एक न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, एंड इन्होंने भूषण स्टील के खिलाफ कंप्लेन फाइल की है विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसी एजेंसी है एंड किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। सो इट इज अ फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन इंडिया अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो जो भी मेजर फ्रॉड होते हैं उनकी जांच करने के लिए जो बॉडी है दैट इज सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एंड इट कोऑर्डिनेट्स विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। एंड इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन जनवरी 2003 एंड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरेश चंद्र कमिटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। तो इसको किस कमिटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था? नरेश चंद्र कमिटी की रिकमेंडेशन में बनाया गया था। कब बनाया गया था? जनवरी 2003 में बनाया गया था, ठीक है। एंड सेक्शन 211 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अकॉर्डेड स्टेचुरी स्टेटस टू द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। तो SFIO कैसी बॉडी है? स्टेचुरी बॉडी है। किस एक्ट के अंदर इसको स्टेचुरी स्टेटस मिला था? अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के बारे में। इसके बाद आ जाइए लास्ट पेज पर, और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है यहां पर, सो वी कैन स्किप इट। यहां पर एक न्यूज है INS विराट से रिलेटेड। सो फाइनली इट विल बी स्क्रैप्ड। तो पहले प्रपोजल ये दिया गया था व्हेन इट वाज डीकमिशन्ड इन 2015 कि INS विराट को एक म्यूजियम के तौर पर डेवलप किया जाएगा, लेकिन क्योंकि उसको लेकर के कोई फाइनेंशियली वायबल प्रपोजल आया नहीं, सो INS विराट विल नाउ बी स्क्रैप। एंड रिमेंबर यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा है कि INS विक्रांत वॉज इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग विक्रांत के बारे में कि INS विक्रांत वॉज इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। INS विराट क्या था? इट वॉज अ सेंटोर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर विच वॉज कमीशन इन May 1987, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पे INS विराट एंड INS विक्रांत के बारे में। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारा जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आज, ये आज का पूरा पेपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सो कम टू द पेज नंबर 1, यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर कर लिए जाए। सो आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज 20 लाख बी। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है बी पार्लियामेंट बाय लॉ। एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 1, 2 and 3 खजुराहो में तीनों के टेम्पल्स पाए जाते हैं, जैन टेम्पल्स, वैष्णवाइट टेम्पल्स एज वेल एज शेवाइट टेम्पल्स। सो दिस वॉज फ्रॉम अवर साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्राउंड्स मेड सिंपल। थैंक यू।